हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिंदी के पेपर में जो भरत खंडकाव्य के नायक भरत का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। भरत के चरित्र चित्रण को ऐसे पढ़ेंगे, एक बार में देखने पर ही याद हो जाएगा। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। लिखने और याद करने का ट्रिक भी बताऊँगा, लिखते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन को पूछता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे पूछता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना रहता है। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत से खंड काव्य देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 नंबर पे पूछता है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। 2 नंबर दिया कि कर्मवीर भरत का कथनांक संक्षेप में लिखिए। इसी दोनों में से आपको एक ही करना रहेगा। हम आपको कर्मवीर भरत खंड काव्य का चरित्र चित्रण बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि आपको एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कर्मवीर भरत खंड काव्य, उसमें आप लिखेंगे भरत का चरित्र चित्र। आप काली पेन से लिखेंगे, आप लिखेंगे श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र, यही इनके लेखक है। लिखेंगे श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा रचित कर्मवीर भरत खंड काव्य के नायक भरत हैं। काव्य में आदि से अंत तक उनके कार्य एवं चरित्र का विकास हुआ है। इनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं, आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप पहला नंबर हेडिंग डालेंगे आज्ञाकारी, आपको ब्लैक पेन से लिखेंगे, हमने रेड से लिखा है। लिखेंगे भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पूर्व वे अपने मामा की आज्ञा प्राप्त करना भी उचित समझते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट इसे रटते हैं, इसमें रटने की आवश्यकता नहीं, आप इसे कहानी की तरह याद करेंगे। 2 नंबर हेडिंग डालेंगे राज्य के लोभ से रहित, इसमें आप लिखेंगे भरत को राज्य वैभव का लोभ नहीं है, कैकेयी से यह जानकर कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है, वे अत्यंत दुखी होकर माता से कहते हैं, क्या कहते हैं, भरत करेगा राज्य राम को भेज विजन में, जाने क्यों तुमने ऐसा सोचा था मन में। आप इसी तरह से आप दोहे को भी लिखेंगे, यदि याद रहेगा तभी आप लिखेंगे, यदि आप नहीं लिखते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। उसके बाद आप 3 नंबर हेडिंग डालेंगे मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक, बताएंगे कि भरत कैसे अपने मर्यादा का पालन किए और अपने कर्तव्य का भी पालन किए। उसमें आप लिखेंगे भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। आप इसी तरह से आसानी से लिख सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आप कहानी की तरह बनाकर आसानी से लिख सकते हैं। रघुकुल में श्रेष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं जीवन के सभी सुखों को भी न्योछावर कर देते हैं। वे कहते हैं कि किंतु ज्येष्ठ को राज तिलक की परंपरा है, राजा दुख से नहीं अन्याय से सदा डरता है। आप इसी तरह से दोहे को भी लिख देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। 4 हेडिंग आप डालेंगे भ्रातु प्रेमी, भरत के चरित्र में राम के प्रति भ्रातु प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। उनके लिए राज तिलक का प्रस्ताव किए जाने पर वे कहते हैं, क्या कहते हैं, लिखेंगे वन में राम रहे मैं बैठूं सिंहासन पर, शोभा देता नहीं मुझे आज्ञा दे गुरुवर, वन में जाकर चरण पकड़ कर उन्हें मनाऊं, जैसे भी हो सके राम को लौटा लाऊं। आप इसी तरह से लिखेंगे। 5 नंबर हेडिंग डालेंगे सच्चे योगी, आप उसमें लिखेंगे भरत सच्चे योगी हैं, वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं, वे राज सुख को ठुकराकर अपने योगी होने का
परिचय देते हैं, राम वन में रहकर योगी का जीवन बिताते हैं, तो वे राजभवन में रहकर भी योगी। वे नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर कुछ आसन पर बैठकर राज्य कार्य का संचालन करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे इस प्रकार भरत आज्ञाकारी, कर्तव्य और भ्रातु प्रेमी और सच्चे कर्म योगी हैं। साथ ही उनमें प्रीतु भक्ति, गुरु निष्ठा, निश्चलता, स्पष्टवादी, विनम्रता आदि गुण निहित है। वे त्याग की साक्षात मूर्ति, शील और संयम के साक्षात अवतार तथा आदर्श महापुरुष है। उनका चरित्र महान और अनुकरणीय है। आप इसी तरह से भरत का चरित्र चित्रण को लिखेंगे। जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तभी से भरत का वह कहानी स्टार्ट होता है, तो आप वहां से वहां तक आप आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।